हेलो गाइस, आपका स्वागत है घर की रसोई बारेखा में। आज मैं चिक्की बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई को गैस पर रख दिया है और गैस भी ऑन कर देंगे। ये आधा बाउल मूंगफली लिया है मैंने, इसको भून लेंगे अच्छे से। देखिए मूंगफली भूनने लगी है और इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू ना आने लगे। देखिए मूंगफली भून चुकी है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब प्लेट में रख लेंगे मूंगफली को और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके छिलके को उतार लेंगे। मूंगफली को मैंने निकाल लिया है और इसी कढ़ाई में तिल को भी रोस्ट कर लेंगे। लो टू मीडियम आंच पर ही रोस्ट करेंगे तिल को। हल्का सा तिल को रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं। देखिए तिल रोस्ट हो चुका है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और तिल को दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। अब मूंगफली को इस तरह से इसका छिलका उतार लेंगे। या आप किसी रुमाल में रखकर उसको रगड़ दीजिए, बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। देखिए छिलका उतर चुका है, अब इसको इस तरह से छिलकों को अलग कर लेंगे और बाउल में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई में एक बाउल गुड़ लेंगे, जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कर लिया है, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको धीमी आंच पे मेल्ट करेंगे। गुड़ को पानी बहुत ही थोड़ा डालें, जिससे ज़्यादा देर तक पकाना नहीं पड़ेगा। गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, अब इसको छान लेंगे, जिससे इसमें कुछ कड़ वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। गुड़ को मैंने छान कर ले लिया है, अब डालेंगे इसमें एक चम्मच घी, देसी घी डालेंगे। गुड़ को थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। अब डालेंगे इसमें सौंठ एक चम्मच और चलाएंगे। सौंठ को अच्छे से मिला लेंगे। पानी मैंने बहुत कम डाला है, इसलिए चाशनी बहुत जल्दी बन जाएगी। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें, जिससे गुड़ जलने ना पाए। अब डालेंगे इसमें तिल। सर्दियों में इस चिक्की को ज़रूर बनाना चाहिए, बच्चे खूब प्रेम से खाते हैं। अब डालेंगे इसमें मूंगफली, जो मैंने रोस्ट करके रखा था। इसमें सौंठ पड़ा होता है तो बच्चों को फायदा करता है, सर्दी जुकाम नहीं होता है। प्लेट को पहले से तैयार रखें घी से ग्रीस करके। इस तरह से प्लेट में थोड़ा सा निकालेंगे और हाथ में पानी लगाकर देखेंगे, जमने लगा है। देखिए इसकी गोली बनने लगी है, बिल्कुल परफेक्ट समय है। इसको प्लेट में निकालेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। प्लेट को मैंने पहले से घी से ग्रीस कर लिया था, अब इसमें फैला देंगे। और ठंडा होने देते हैं, मिलते हैं ठंडा होने के बाद। अब चिक्की जमने लगी है तो इसको काट देंगे, आप मनचाहा आकार दे दें। हमारी चिक्की बनकर तैयार है, आप भी इन सर्दियों में बनाएं और एंजॉय करें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स अवश्य कीजिएगा।
सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।